जय हिंद वंदे मातरम प्यारे साथियों, आपको इस सेशन में 300 प्लस आपको जो है वन लाइनर के फॉर्म में साइंस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो आपको बताते विभिन्न परीक्षाओं में मल्टीपल टाइम पूछे गए क्वेश्चन हैं। और ये सेशन आपको देखने बहुत ही आनंद आएगा और बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है प्यारे साथियों। तो चलते हैं, आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं, जरूर फायदा मिलने वाला है। चलते हैं, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक को टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। तेल का एक बैरल लगभग कितने के बराबर होता है, तो उत्तर बताएंगे 159 लीटर में एक बैरल। आप देखें इंटरनेशनल व्यापार जो होता है तेल का, वो बैरल में ही होता है। पहले तपानिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो उत्तर हो जाएगा जे ए फ्लेमिंग ने किया था। चलते हैं, लेसर अथवा किसी प्रकाश के संयुक्त प्रकाश स्रोत से दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय यानी 3D आकृति जो होती है, 3D आकृति क्या होती है, होलोग्राफी, आपने सुना होगा। देखो प्रोडक्ट पे जो ओरिजिनलिटी का पता लगाने के लिए होलोग्राफ लगाया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो उत्तर बताएंगे बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन सा वैज्ञानिक अपने बेटों के साथ नोबेल पुरस्कार सह विजेता है, विलियम हेनरी ब्रक जो है अपने बेटों के साथ जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। एक नैनोमीटर कितने, तो आप बताएं 10^7 सेंटीमीटर, और मीटर में बात कहें कि 10^-9 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त किया जाएगा, तो उत्तर 183×10^7 नैनोमीटर हो जाएगा। डायनमो ऊर्जा को परिवर्तित, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यक्ष किरण किसको पार नहीं कर सकती है, यक्ष किरण आपको बताएं कैल्शियम ऑक्साइड को नहीं, यानी अस्थि को नहीं पार कर पाती, इसीलिए देखो एक्सरे करते हैं तो अस्थि आ जाती है और मांस का फोटो नहीं आता है। 1 कैलोरी उष्मा जो है का मान होता है 2×10^3 जूल होता है। यक्ष किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, तो कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर जो है की जा सकती है। नेक्स्ट है, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाता है, तो उत्तर हो जाएगा समस्थानिक कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितना है, तो 46×10^12 किलोमीटर है। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है, 1 माइक्रोमीटर आपको बताएं 10^3 मीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोमीटर। अब वही बात करें पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन था, पहला जो है नाभिकीय रिएक्टर कौन था, तो इसमें फर्मी लिखा हो गलत है, अप्सरा था पहला नाभिकीय रिएक्टर। चलते हैं, और वही दूरी का सबसे बड़ा जो सबसे छोटा मात्रक फर्मी मीटर होता है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। कुलिज नलिका का प्रयोग जो है किसको, एक्सरे के उत्पन्न एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए कुलिज नलिका का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ें एक एक चीज़ें याद करके रखना प्यारे साथियों। एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को, एक प्रकाश विद्युत सेल किसमें प्रकाश ऊर्जा को, देखिए कौन है, सूर्य, जो सूर्य प्लेट होता है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सूर्य प्लेट इसका उदाहरण हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान MeV में होता है, 51 MeV होता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, उत्तर हो जाएगा भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है परमाणु बम। चलते हैं, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा परमाणु को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। लेसर किरण होती है केवल एक रंग की होती है लेसर किरण। नेक्स्ट है, द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध किसने दिया था, सापेक्षता के नियम से संबंधित है। 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते, 10^6 मीटर होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट है, 1 मेगावाट 10^6×10^9 जूल होता है। सर्व प्राचीन शैल की आयु आंकी जाती है, तो आप बताएंगे आर्गन विधि द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक सर्वाधिक महत्व की हो जाती है, जिसे लाखों रुपए की बचत हो जाता है सामान्य तापमान पर। 1 जूल कितने कैलोरी के होते, 1 जूल जो होता है आपको बता दें 2.4 कैलोरी आपको याद रखना है, या 24 लिखा 2.4 याद रखना है आपको। ऐसी प्रकाश पुंज जो अत्यंत दिशिक हो, मतलब एक ही दिशा में चल रही, तो उसे बोलते हैं लेजर लाइट। देखो बहुत दूर तक जाती है एक ही दिशा में। बात कर नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है, नाभिकीय रिएक्टर श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित अभिक्रिया होती है, श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, बीटा कण में जो है ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट है, ध्वनि सबसे तेज यात्रा कर सकती है, तो आप बताइए स्टील में। परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, वैसे तीन होते हैं।
परमाणु में कौन कौन से प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन तीन जो है मूल कण होते हैं परमाणु में, किसी परमाणु में। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किसके लिए होता है, में जो है चिकित्सा के उपयोग में गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति आपस में बात नहीं कर सकते क्योंकि चंद्रमा पर क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने, प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने या गोल्डेनस्टीन। इलेक्ट्रॉन वाहन करता है, एक यूनिट ऋणावेश वाहन करता है। चलते हैं, बादलों की बिजली के चमक के काफ़ी समय बाद जो है गर्जन सुनाई देती है क्योंकि प्रकाश की चाल जो है ध्वनि की चाल से अधिक होती है, ये चीज़ें याद रखना है। जिस तत्व परमाणु के दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, उत्तर हो जाएगा 4 हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट है, नाभिक का आकार होता है 10^-15 होता है। चलते हैं, इको साउंडिंग का प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए, इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि की चाल 332 है तो दाब बढ़ाने पर क्या होगा, 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगा क्योंकि दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं करता होता है। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होती है, ये चीज़ें याद रखना है। डेसिबल इकाई है ध्वनि की तीव्रता मापने की। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु, जिसका तो इसका होता है जिसका परमाणु भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ध्वनि का वेग मापन का सबसे कम होता है, गैसों में ध्वनि की वेग सबसे कम होती है। ध्वनि की वेग लगभग 332 या 330 जो भी उपलब्ध हो। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, उत्तर हो जाएगा एडर्सन ने। ध्वनि की प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। लेजर बीम सदा होती है तो अपसारी होती है। किसी परमाणु के नाभिक में आइसोटोप अनाभिक है, प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, एक होती है, एक ही जो है उसमें प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉनों संख्या 0 होती है। किसी तत्व का परमाणु संख्या होता है नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। देखिए कितना जल्द ही हम 60 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। प्रोटॉनों परमाणु के प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर रहते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, उत्तर हो जाएगा चैडविक ने किया था। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। चलते हैं, अल्फा कण के दो इकाई धनावेश को द्रव्यमान का लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के। समस्थानी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। 60 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अब 30 की तरफ हम चल रहे हैं। मृग मरीचिका किसका उदाहरण है, मरीचिका किसका उदाहरण है, तो प्रकाश के अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है। यदि एक निकट दृष्टि दोष से सुदूर बिंदु 200 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता कितनी होगी, -5 जो है डायप्टर होता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का प्रयोग किया जाता है तो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, कौन सा अवतल लेंस आपको याद रखना है। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से क्या होता है, कम होता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है सामूहिक यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो होता है चमकदार दिखाई देता है। पेट अथवा शरीर के आंतरिक अंगों के लिए जो है अन्वेषण के लिए कौन सी तकनीकी प्रयोग किया, एंडोस्कोपी प्रयोग की जाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना पर आधारित होती है। नेक्स्ट, पानी की टंकी के ऊपर देखने पर कम गहरी दिखाई पड़ती है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये अपवर्तन घटना के कारण, छदम जब कोई चीज़ बात हो तो वहाँ अपवर्तन ही होगा। चटका हुआ कांच चटकीला क्यों दिखाई देता, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक एक चीज़ें आपको इसमें इंपॉर्टेंट हैं तो प्यार साथियों वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक वॉच करें। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश के क्षेत्र में अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए अस्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे दिखाई देने लगता है। कारण है क्योंकि अंधेरे में जो है कुछ समय के लिए अनुकूलित होता है, अंधेरे के प्रति कुछ समय के लिए अनुकूलित होना होता है। देखते हैं पुतली सिकुड़ जाती बाद धीरे धीरे खुलती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है, 250 सेकंड होता है। प्रथम प्राथमिक रंग लाल हरा नीला या इसी को शॉर्ट में आरजीबी याद रखना है आपको, रेड ग्रीन ब्लू प्राथमिक रंग है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो कौन सा दोष, उसमें निकट दृष्टि दोष है, और नजदीक का नहीं देख सकता उसका मतलब उसको दूर दृष्टि दोष है। निर्तात में दाता की आंखों के हिस्से का प्रतिरूपित होता है कार्निया। कौन सा दान किया जाता तो बताओगे कार्निया। ENT डॉक्टर जो है कौन सा अवतल लेंस का प्रयोग, ENT मतलब नाक कान गला वाले डॉक्टर कौन सा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अभिन्दुकता को दूर करने के लिए किस लेंस का, तो सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है या बेलनाकार कह सकते हो। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य पृथ्वी और बीच में चंद्रमा हो। सूर्य
और पृथ्वी के बीच क्या हो, चंद्रमा हो। और क्या कहते हैं, यदि चंद्र ग्रहण कब लगता है तो आप बताएंगे, यस एम ए याद रखना है। सूर्य और पृथ्वी के बीच, अब वहीं पर बात करते हैं, चंद्र ग्रहण की बात करते हैं। चंद्र ग्रहण क्या होता है, यस ए एम याद रखना है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो उसे बोलते हैं चंद्र ग्रहण। शाम याद कर लीजिए आप, चंद्रमा कब निकलता है, शाम को निकलता है। प्रकाश की किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरता है, तो कांच के से जल में। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो उत्तर हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। वह अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री के आकाश दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री जब नीचे देखता है उसको काला ही दिखाई देता है। दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तुएँ दिखाई नहीं देती हैं। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएँ दिखाई नहीं देती। देखिए इन सब चीज़ों को नोट करते हुए चलना है। जब किसी प्रकाश तरंग वायु के कांच से गुजरती तो उसका तात्पर्य केवल तरंग दैर्ध्य तथा वेग क्या प्रभावित होता है, तरंग दैर्ध्य तथा वेग ही प्रभावित होता है। कार्य में दृश्य अवकलन के लिए कौन सा, तो आप जानते हो कार के जो किनारे जो लेंस दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है, बड़ी चीज़ों को छोटा करके दिखाता है। दर्पण में बड़ी चीज़ों को छोटा करके दिखाना होगा तो आप बताओगे दर्पण होगा, जहाँ उत्तल दर्पण होगा, और छोटे बड़ा तो आप बताओगे अवतल दर्पण। प्राथमिक रंग वह रंग जो मिश्रण से उत्पन्न नहीं हुए, जैसे RGB, ये जो है मिश्रण से उत्पन्न नहीं हुए, मूल रंग इसीलिए कहलाते हैं इसे। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा अवतल या नतोदर। अवतल को ही नतोदर कहते हैं, उत्तल को उन्नतोदर कहते हैं, तो दोनों आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट है, प्रकाशित यानी फाइबर ऑप्टिक्स के आकार के बावजूद प्रकाश उनमें प्रगामी होती है, क्योंकि वह एक ऐसा यंत्र है जिसमें संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। इस परिघटना को जो है प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना कहा जाता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बना इस परिघटना का परिणाम है बहुलित यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तथा व्यतिकरण के कारण ही ऐसा होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग, उत्तर 7 रंग होते हैं। स्वतः नेत्र स्पष्ट दूरी कितनी, 25 सेंटीमीटर होती है। मनुष्य की आंखें प्रकाश तरंगों के को जो है उद्योगों को परावर्तित करती है, तो कहाँ से लौटती, उत्तर हो जाएगा रेटिना। देखिए 90 क्वेश्चन हम सफलतापूर्वक कर लेंगे, हम 120 वाले की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट 30 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, वायुयान का आविष्कार किसने किया, तो राइट बंधु ने या राइट ब्रदर्स ने किया था। और ब्लैक होल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, उत्तर हो जाएगा यश चंद्रशेखर ने किया था। एक फैदम में कितना, 1.81 या 1.8 किलोमीटर, जो भी हो उसको लगा सकते हैं। प्रकाश विद्युतशील बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक बार जो है 10^5 पास्कल के होता है, 105 लिखा, 10^5 पास्कल के बराबर होता है। बार किसका, दाब का मात्रक होता है। रिकॉर्ड करने तथा रिकॉर्ड की हुई डिस्टेशन को रिप्रोडक्ट करने के लिए जो है डिक्टाफोन का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो आप बताएंगे डॉक्टर एलान एम ट्यूरिंग ने जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। प्लैंक नियतांक क्या मान होता है, 6.6×10^-34 जूल पर सेकेंड होता है। भौतिकी की चतुर्थ अवस्था का खोज, प्लाज्मा का खोज किसने किया था, तो बताओगे आइंस्टीन ने। अब बात करते हैं, खगोलीय इकाई औसतन बराबर होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या कहलाती है, खगोलीय इकाई कहलाती है। 1 नैनोसेकंड में होते हैं 10^-9 सेकंड। एक बैरल में 159 लीटर होता है। एक निर्वात प्रकाश की चाल 3×10^8 मीटर पर सेकेंड होता है। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होती है, कितना सात, ये तो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जरूर कर लें। उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकेंड घूर्णन किस में मापी जाती है, स्ट्रेबोस्कोप से मापी जाती है। 1 μ/10^1000 mm के बराबर होता है। यंग स्टार कितने मीटर का होता है, 10^-10 मीटर के होता है। 1 μ कितने के बराबर होता है mm के, तो 0.1 mm के बराबर होता है। कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा उपयोग में लाया जाता है, स्टेथोस्कोप जो होता है, डॉक्टर आप देखते हो हृदय की गति सुनने के लिए पिया जाता है। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया, तो यश चंद्रशेखर के जो सम्मान में रखा गया है। 1 पिकोग्राम किसके 10^-12 ग्राम के बराबर होता है। रडार का उपयोग किया जाता है रेडियो तरंगों की स्थिति बताने के लिए। रेक्टिफायर का प्रयोग जो होता है AC को DC बदलने के लिए। 1 जूल बराबर होता है 10^7 आर्ग। 1 मील बराबर 1.6 यानी 1600 मीटर के बराबर होता है 1 मील।
एक किलोमीटर तात्पर्य होता है 1000 मीटर होता है। एक एक चीज़ें आपको याद करके रखना प्यार साथियों। एक नॉटिकल मीन 1.85 किलोमीटर के बराबर। इस थर्मोस्टेट क्या है, तापमान को स्थिर रखने कोई थर्मोस्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशिक ऊर्जा को ऊर्जा प्रदान करती है। सूर्य की किरणों को तीव्रता मापने का उपकरण कौन सा है, तो आप बताओगे एक्टिनोमीटर है। एक पिकोग्राम राशि 8 न्यूटन के बराबर। टेकियॉन क्या, प्रकाश की गति को तीव्र गति के कण जो है टेकियॉन क्या कहलाते हैं। तारों की मध्य दूरी क्या इकाई है, प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्यार साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे उत्तर फैदोमीटर। फैदोमीटर से क्या करते हैं, गहराई नापते हैं। किसकी गहराई, आप बताएंगे समुद्र की गहराई में। समुद्र में फेंको, समुद्र में फेंको, तो समुद्र फैदोमीटर ऐसे याद कर सकते हैं आप। चलते हैं, सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उच्च तनाव को क्या कर सकता है, झेल सकता है। कौन से उच्च तनाव को, सेफ्टी ग्लास किस लिए प्रयोग किया जाता है, ये उच्च तनाव को झेल सकता है। प्रकाश वर्ष होता है, आपको बताएं एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई की दूरी क्या कहलाती है, आप बताएंगे प्रकाश वर्ष कहलाती है। चलते हैं, मनुष्य के शरीर का तापमान यदि बात करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन और फारेनहाइट में 98.6 फारेनहाइट, तो जो भी हो आप लगा सकते हैं। चलते हैं, प्राकृतिक पॉलीमर किसका उदाहरण है, तो इसका उत्तर बताएंगे कार्बोहाइड्रेट का। आप बताइए कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। जो चीज़ें आप लिख देते हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं परमानेंट आपको याद हो जाती हैं, इसलिए कहे गूगल करें कैसे भी करके आप कमेंट जरूर किया करें। पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल तांबे एक मिश्र धातु है। तांबे के अतिरिक्त इसमें से क्या पाया जाता है, इन तीनों में तांबे के अतिरिक्त क्या होता है, आप बताएंगे जस्ता होता है। जस्ता यानी जिंक किसी को कहते हैं। मांसपेशियों में किसके द्वारा एकत्र होने पर थकान होती है, तो आप बताएं लैक्टिक एसिड कहीं पर भी जमा हो जाती है आपके शरीर के मांसपेशियों, तो वहाँ पर लगता है कि थकान महसूस हो जाए। जब आप कहीं चल के आते हैं ऐसा लगता है पैर से चला नहीं जाता, तो उसका मतलब क्या है, आपके पैर में लैक्टिक एसिड जमा हो गई है। और आराम कर लेते हैं या मसाज करवा लेते हैं तो लैक्टिक एसिड फैल जाती है और आपका दर्द से क्या हो जाता है, मुक्ति मिल जाता है आपको। अब क्वेश्चन है मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो एक उत्तर सबसे फेमस आता है कि सोडियम को ज़्यादा पूछा जाता है, सोडियम को किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। और उसके साथ साथ पोटेशियम को भी मिट्टी के तेल में ही रखा जाता है, ये चीज़ें याद रखना है प्यारे साथियों। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है इसमें, तो बने रहे हमारे साथ। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएँ दिखाई नहीं देती हैं, क्यों, जबकि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को जो है निकट की वस्तुएं नहीं, उल्टा आपको याद करके रखना है। अब यहाँ पर फायदो लिखना था, यहाँ पैथो हो गया। फायदोमीटर मापने के लिए पहला क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। फिटकरी क्या करता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए प्रयुक्त होता है, बैक्टीरिया मार। चलते हैं, RBC यानी लाल रक्त कोशिकाओं को अस्थि मज्जा में हर सेकेंड उत्पादन होता है। कितना उत्पादन होता है, 5 मिलियन हर समय जो है अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में उत्पादित होता है। BBC का पूर्ण रूप क्या है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC का फॉर्म होता है। कार का रेडिएटर किसके लिए, तो इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है। देखिए कार वगैरह रेडिएटर जिसमें पानी डालते हैं वही रेडिएटर होता है। तारे टिमटिमाते हैं क्यों, अपवर्तन की घटना के कारण, जबकि तारे जो है स्थिर होते हैं, एक प्रकार की छदम घटना है। अगर किसी वस्तु को फोकस अथवा अवतल दर्पण पर रखा जाए तो उसकी छाया कैसी बनेगी, उसकी छाया जो है अनंत पर बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमार्फस सिलिकन के उत्पादन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड एसिड का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को धुलने में किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक आवेश रहित कण है, जिसमें कोई आवेश नहीं होता, तो न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, आप बताएंगे दूरी की इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष है। वही दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो बताओ पारसेक क्या है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। जबकि छोटी इकाई की बात करेंगे, छोटी इकाई क्या है, तो फर्मी सबसे छोटी इकाई है। ये चीज़ें याद करके रखना प्यारे साथियों, बने रहे हमारे साथ। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है, इसका मतलब लेंस क्या है, अवतल लेंस। बड़ा दिखाई पड़ता है, इसका मतलब क्या है, उत्तल लेंस है। चलते हैं, वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकाल देती है क्या कहलाती है, जिंक। अब बात करते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य, ऊर्जा, उष्मा, तीनों का मात्रक क्या होता है, बताएंगे जूल होता है। नेक्स्ट है,
किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का क्या होता है अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कंप्यूटर का आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन की बनी होती है। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस के ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता है तो क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस है इसका मतलब। रडार की कार्यप्रणाली किस पर है? तो रेडियो तरंगों के परावर्तन पर कार्य करता है रडार की प्रणाली। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? उत्तर हो जाएगा मुख्य अक्ष कहलाती है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? बताओ शारीरिकी कहलाता है आंतरिक। अब वहीं पर बात करते हैं जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने लाइबार तथा ट्रेवेनियस ने किया था। देखिए 29 क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, 29 उधर किया, फिर नेक्स्ट हम वन से करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि दब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। एक एक देखिए इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन जो रिपीट हुए उन्हीं को क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया। तो वैसे तो बहुत ध्यानपूर्वक वाच करना है आपको, इसका जरूर आपको फायदा मिलेगा चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा को विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग से बना पदार्थ क्या कहलाता है? जब भी एक निश्चित अनुपात की बात होगी वहाँ पर क्या होगा आप बताओगे? यौगिक होगा। अब अनिश्चित अनुपात होगा वहाँ पर मिश्रण का निर्माण होगा। ब्लासी पास्कल का संबंध किस मशीन से है? तो गणना करने वाली मशीन से है। पाचक प्रक्रिया क्या है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल के विघटन को खोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट है, रडार की कार्यप्रणाली के सिद्धांत पर रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? उत्तर बताएंगे जूल है। इलेक्ट्रॉन को सर्वप्रथम किसने पहचाना था? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले पहचाना था। नेक्स्ट है, मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित होता है? बृहस्पति के। नेक्स्ट है, उन देशों में से जहाँ के लोगों को मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किए हुए चावल हैं वे लोग अक्सर किस रोग से पीड़ित होते हैं? उत्तर हो जाएगा बेरी से होते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? उत्तर हो जाएगा दूरी का। अब बात करते हैं वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालता है, तो उत्तर हो जाएगा जिंक जो है। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर तो उसकी छाया कैसे होगी? अनंत होगी। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय सलन। थोड़ा फास्ट करेंगे, क्वेश्चन अभी ज़्यादा है। डायोप्टर किसका मात्रक है? उत्तर लेंस की क्षमता का मात्रक। प्रोटीन का पाचन एंजाइम है तो ट्रिप्सिन है। वो बैरोमीटर के पार्ट का एकाएक जब एकाएक गिरता है तो आंधी आना, धीरे धीरे ऊपर उठता है मतलब दिन साफ होगा, धीरे धीरे नीचे गिरता है उसका मतलब पानी का बरसात होगा। कोई कण एक सेकेंड में कंपन करने के लिए कितना समय लेगा? वह संख्या क्या कहलाती है? तो उसके आवृत्ति कहा जाता है। राइट बंधु ने किसका वायुयान का आविष्कार किया था? डॉपलर प्रभाव किसी ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर बनता है तो क्या कहते हैं? तत्व बनते हैं। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक हो? बैगनी रंग का अपवर्तनांक मतलब कौन सा रंग सबसे अधिक फैलता है? तो बताएं बैगनी। सबसे कम कौन? तो बताएं लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते तो उनका वेग क्या होगा? समान होंगे। लेसर के सिद्धांत पर कार्य करता है तो विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन पर कार्य करता है। हबल क्या है? एक प्रकार का दूरदर्शी है। ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया था? उत्तर जोसेफ पिस्टलर ने क्या किया था? ऑक्सीजन का आविष्कार किया था। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस और पोल से गुजरने पर गोलाकार दर्पण पर पड़ती है तो क्या कहलाती है? तो मुख्य अक्ष कहलाती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्यों? क्योंकि चमगादड़ परासरव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। ये चीज़ याद रखना, कौन से तरंगें? परासरव्य। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पर? तो सिलिकॉन की बनी होती है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर उसमें क्या हो जाता है बताओगे? दाब कम हो जाता है। किसी पिंड को उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जो सीधी रेखा में एक समान गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है? उत्तर हो जाएगा जड़त्व कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम देखने जाने। क्वेश्चन है प्रत्यानयन बल की दिशा क्या होती है? तो उत्तर जो सदैव माध्यम स्थिति की ओर ही होती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग बहुत फेमस है? तो घेगा या ग्वाइटर इसी को कहते हैं। और अनुदैर तरंगों के माध्यम के कण किस प्रकार कंपन करते हैं? तरंग की दिशा के समांतर कार्य करते हैं। चलते हैं सबसे हल्की धातु कौन सी? तो सबसे हल्की धातु आप बताएंगे लिथियम होती है। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत तथा ऊष्मा का आप बताएंगे सुचालक होता? तो ग्रेफाइट क्या हो? विद्युत तथा ऊष्मा का जो है सुचालक होता है। विद्युत हीटर का तंतु किस धातु का बना होता? तो उत्तर हो जाएगा नाइक्रोम का बना होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति का नाम लिखिए? तो उत्तर विद्युत जनरेटर या डायनेमो जिसे बोलते हो वही क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा या इसी को जनरेटर कह सकते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तन करने के लिए युक्ति कौन सी? विद्युत मोटर है।
समान चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होगी? परस्पर समांतर व समदूरस्थ पर होंगी। ध्वन तरंगे कैसी होती? तो यांत्रिक तरंगे होती। वर्षा का जल कैसा होता? मृदु जल होता है। ऑक्सीजन की किसी तत्व की क्रिया करके क्या करती? तो ऑक्साइड बना देती है। कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता? पारा जो है साधारण ताप पर द्रव धातु है लेकिन द्रव अवस्था में। तेलों का हाइड्रोजनीकरण का प्रयुक्त होता है, तो बताओ हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, समान पदार्थों को किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती? तो जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। क्या चुंबक के ध्रुव स्वतंत्र चल सकते हैं? तो उत्तर हो जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। जल से हल्की धातु कौन सी? तो उत्तर हो जाएगा सोडियम। क्या हो जाएगा? जल से हल्की धातु है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक है, तो जूल प्रति किलोग्राम क्या होता है? गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। लोलक का द्रव्यमान बढ़ाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम के गुण किस प्रकार कंपन करते हैं? कण किस प्रकार कंपन करते हैं? उत्तर हो जाएगा तरंग गति के लंबवत कार्य करते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर देखो सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? अनंत होता है। स्वतः मनुष्य के ताप जो है डिग्री सेंटीग्रेड तथा फारेनहाइट में बताना। देखिए डिग्री में 37 डिग्री सेल्सियस 36.9 और फारेनहाइट में 98.6 होता है। कैलोरी जो है एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किस प्रकार ऊर्जा का रूपांतरण करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। किसी लोलक घड़ी के पहाड़ अथवा खान में ले जाने के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आवर्तकाल बढ़ने से उसकी घड़ी क्या हो जाती है? सुस्त हो जाती है। क्या किसी कृत्रिम उपग्रह की लोलक घड़ी प्रयुक्त की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो बताओ ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोसों में ध्वनि की वेग सर्वाधिक होता है। किसी द्रव को गर्म करके वाष्प में परिवर्तित करने तथा ठंडा करके द्रव में परिवर्तित करने की क्रिया कहलाती है? आप बताओ आसवन कहलाती है। घड़ी की मिनट वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है? 60 मिनट में एक आवर्त लगाती है। रबड़ किस में घुलता है? तो एथेनॉल में रबड़ क्या है? घुल जाता है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, लगभग इस वीडियो में आपको 120 क्वेश्चन मिलने वाले हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन है, डीजल इंजन में ज्वलन उत्पन्न किया जाता है तो किसके द्वारा? बताओ संपीड़न के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सामान्यतः किसकी बनी होती है? तो बताए सिलिकॉन की बनी, किसकी? सिलिकॉन की बनी होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर वितरित क्रिया है, तो बताओ न्यूटन की गति विषयक नियम के तृतीय नियम से संबंधित है। फूलों के संवर्धन को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अब बात होती है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न किया हो, न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। स्टेनलेस स्टील किसका एक प्रकार वायु का एक, जबकि वायु क्या है? एक प्रकार का मिश्रण है। माइकोलॉजी क्या है? तो बताओ कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष चश्मे कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, जबकि अब कहा जाए निकट दृष्टि देश में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य एक प्रकार का पूर्ण स्वदेशी चालक रहित विमान है। वह विज्ञान जिसमें जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान का। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई 1971 में। कौन सी धातु विद्युत का कुचालक है? बताओ सीसा है। जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया था पारिस्थितिकी के अंदर। टाइपराइटर का आविष्कार कौन है? सीसोल्ज है। नेक्स्ट है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने किया। द्रव्यमान ऊर्जा का समतुल्य ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया? तो आइंस्टीन ने किया। डेसिबल किस का मात्रक है? ध्वनि की तीव्रता का। देखिए फिर से ये वीडियो ये 30 क्वेश्चन रिवाइज क्वेश्चन है। जल को तैरना न्यूटन के किस नियम पर है? तो तृतीय नियम पर है। किस धातु में धातु की चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट तथा आयोडीन में पाई जाती है। सर्वप्रथम जो है वैज्ञानिक जैसे सूर्य के चक्कर तो कॉपरनिकस ने, यदि कोई व्यस्त तो स्पष्ट नहीं दिखाई रही इसका मतलब उसमें निकट दृष्टि दोष में है। अब बात होती है गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी या छेद कर दिया जाए उसमें, तो नेक्स्ट दाब बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि उसमें ताप बढ़ाने पर ध्वनि के चाल में प्रभाव पड़ता। सजावती वृक्ष लगा रहे तो उसमें आर्बोरिकल्चर कहलाती है। वर्तता का न्यूट्रॉन प्रति मीटर स्क्वायर है। परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। भारी जल का अणुभार कितना होता है? 20 होता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस लगाया जाता है। प्यारे साथियों पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि सिनकोना नामक पौधा से क्या प्राप्त होता है? तो उत्तर हो जाएगा कुनैन। और कुनैन क्या है आप बताएंगे? मलेरिया नामक दवा में जो इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पुताई में काम आने वाला चूने का सूत्र क्या होता है? चूने का सूत्र क्या होता है आप बताओगे? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। वहीं एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण आयस कौन सा है? तो एल्युमिनियम किससे मुख्यतः प्राप्त किया जाता है? तो आप बताएंगे बॉक्साइट से प्राप्त होता है। वैसे कोरंडम से भी जो है एल्युमिनियम प्राप्त होता है। चलते हैं, माइका किस काम में ली जाती है?
माइका आप जानते हैं विमान उद्योग में जो है काम ली जाती है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषकों में अधिकतम हानिकारक गैस कौन सी, अधिकतम हानिकारक गैस आप क्या बताएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का आपको सूत्र भी जानना जरूरी है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, इसका क्या होता है CO होता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, जहाँ एक O होता है तो उसके मोनो कहते हैं। चलते हैं सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन, और वहीं पर बात करते हैं LPG में, LPG BP BOP ब्यूटेन और प्रोपेन जो होता है LPG गैस में प्रयोग किया जाता है, और वहीं सिगरेट लाइटर के केवल ब्यूटेन। शरीर में श्वेत रंग कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, शरीर को क्या है रोगों से बचाना होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल से जो है, क्लोरोफिल क्या कहता है प्रकाश संश्लेषण, कहते हैं कि भोजन बनाने कौन बनाने प्रक्रिया क्या है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही भोजन बनाते हैं। जीवित कोशिकाओं में रहकर ही किस संख्या में बढ़ती है, तो वायरस की संख्या जो है जीवित कोशिकाओं में रहकर ही बढ़ती है, वैसे वो निष्क्रिय रहते हैं। चलते हैं रक्त को बहने से रोकने के लिए किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो फिटकरी का प्रयोग जो है रक्त को बहने से रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है युवा मनुष्य के जो है एक मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है, तो आप बताएं 72 बार धड़कता है, वहीं या 0.8 सेकंड, या कहेगा कितने सेकंड लगता है तो 0.8 सेकंड लगता है। एक एक चीज़ें आपको इसमें इंपॉर्टेंट मिलने वाले पैर सकते, तो बने रहे हमारे पास। यदि किसी खनिज की आयस को वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भस्मीकरण कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा विकट, विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट नामक रोग हो जाता है, जिसे सूखा रोग कहते हैं। हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए अवशोषित करने वाला मुख्य अंग कौन सा है, तो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। खाने वाला नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड है। स्कर्वी रोग होने का कारण क्या है, तो शरीर में विटामिन सी की कमी जो है स्कर्वी का कारण होती है। चलते हैं अक्रिय गैसों में कौन सी वायु सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो आर्गन गैस पाई जाती है। पृथ्वी पर सौर ऊर्जा के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, तो हरे पेड़ पौधा जो है सौर ऊर्जा के प्रथम प्राप्तकर्ता है। अब वहीं आप कहा जाए इस समय सौर ऊर्जा जो है ईंधन का सबसे जो है सर्वोत्तम रूप है, बिना प्रदूषण के ईंधन के। चलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, कैल्शियम सल्फेट है एक प्रकार का। और किस मच्छर के काटने से मलेरिया, तो मादा एनाफिलीज के काटने से मलेरिया होता है। आपको बताना है कि किस मच्छर के काटने से जो है डेंगू रोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का प्रयोग जो है वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। वही चमगादड़ अंडे देते हैं या बच्चे, तो उत्तर हो जाएगा चमगादड़ जो है स्तनी है तो क्या देंगे, बच्चे ही देंगे भले उड़ते हैं। हड्डियां परस्पर किसके द्वारा जुड़ी होती हैं, तो आप बताओगे पेशियों द्वारा जुड़ी होती हैं। रेंग कर चलने वाले जीव को क्या कहते हैं, तो रेंग कर चलने वाले जैसे सांप है ये सरीसृप में आता है। बीज के अंकुरण के लिए क्या जरूरी है, नमी और ऑक्सीजन जरूरी है, जबकि इसमें जो है धूप की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चलते हैं बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, देखिए बी और विटामिन बेरी बेरी इजीली याद कर सकते हो। अम्ल क्षार क्या मिलाकर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं या नमक बनाते हैं। ईंधन गैस कौन सी गैस कहलाती है, प्रोड्यूसर गैस जो है ईंधन गैस कहलाती है। अब देखिए अब वही देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यूरिया खाद से पौधों को कौन सा तत्व मिलता है, तो आप बताएं नाइट्रोजन। वही पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में, तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। कांसा किन दो धातुओं का मिश्र धातु है, तो उत्तर हो जाएगा तांबा तथा टिन का जो है धातु मिश्र धातु है। अब नेक्स्ट 30 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन है डीजल इंजन ज्वलन उत्पन्न किया जाता है किससे, तो आप बताओ संपीडन से। वहीं पर बात है कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप सामान्यतः किस धातु के बने होते हैं, तो आप बताओ सिलिकॉन जो है मिस्टर सिलिकॉन क्या है, एक प्रकार का उपधातु होती है। अब बात करते हैं प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया जो है वह किस नियम से संबंधित, न्यूटन की गति विषय तृतीयक नियम से है। वैसे न्यूटन ने तीन नियम दिया था, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, दूसरे नियम को संवेग का नियम, तीसरे को संवेग संरक्षण या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक वह कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है, तो बताओ न्यूटन का है, ये चीज़ याद रखना है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, परंतु वायु क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। वायु क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। वहीं माइकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो माइकोलॉजी कवक का अध्ययन है। वहीं दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस लगाया जाता है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है
लक्ष्य क्या है, पूर्ण स्वदेशी चालक रहित जो है विमान क्या है, आप बताओ कि लक्ष्य है। विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से है क्या कहलाता है, तो जीव विज्ञान कहलाता है। जूल किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई क्या है, जूल है। उष्मा की भी इकाई जूल है। मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की, 1971 में। कौन सी धातु विद्युत का कुचालक होती, तो आप होता है सीसा क्या है, विद्युत का कुचालक है। जीव विज्ञान किस भाषा किस शाखा के पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, तो पारिस्थितिकी के अंदर जो है पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। टाइपराइटर का आविष्कारक कौन है, तो आप बताओ सोल जो है टाइपराइटर के आविष्कारक है। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया, तो उत्तर हो जाएगा जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। द्रव्यमान ऊर्जा संतुलन ई बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण प्रतिपादन किसने किया, तो उत्तर हो जाएगा आइंस्टीन ने किया था। डेसिबल किसकी, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई को क्या बोलते हैं, डेसिबल। जल में तैरना न्यूटन के किस नियम, तृतीय नियम का उदाहरण है। और वहीं धातु जो अधातु जिसमें धातु ही चमक पाई, ग्रेफाइट तथा आयोडीन में जो है धातु ही चमक पाई जाती है। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने पृथ्वी के सारों पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती, तो बताए कॉपरनिकस ने बात कहा था। और आज जो कॉपरनिकस का ही सिद्धांत लागू है, यदि कोई व्यक्ति दूर से वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब उसमें दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि का कौन सा दोष है, तो उसको तो निकट दे, दूर की वस्तुएं नहीं देख पा रहा तो निकट दृष्टि दोष, और निकट की वस्तु नहीं देख पा रहा तो दूरदृष्टि, देखो अपोजिट आपको याद करके रखना है ये चीज़ याद। गुब्बारे में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की गैस के बराबर बराबर अणु है, यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलने लगी, ये चीज़ याद रखना है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है, दाब दोगुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, दाब का ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ताप का व आर्द्रता का ध्वनि के चाल पर प्रभाव पड़ता है, एक एक चीज़ आपको कंसीडर करते हुए चलना है। सजावटी वृक्ष का पौधे लगाना क्या कहता है, आर्बोरी कल्चर कहलाता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव क्या हैं, तो न्यूट्रॉन है। भारी जल का अणुभार कितना होता है, तो उत्तर हो जाएगा 20 होता है भारी जल का अणुभार। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता, तो उत्तर हो जाएगा वो। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों को प्रोग्रामों को सुनते हैं, यह संभव है, तो अनुनाद या कहते हैं अनुनाद एक प्रक्रिया है। अनुनाद या रेजोनेंस के कारण जो है ध्वनि के गुण है उसके कारण जो है आप सुन सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड पेंडुलम का आवर्त काल क्या होता है, सेकेंड पेंडुलम का आवर्त काल आप बताएंगे 2 सेकेंड क्या होता है, सेकेंड पेंडुलम का आवर्त काल। कार में रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या होता है, जो रेडिएटर जिसमें पानी भरा होता है उसका मुख्य कार्य होता है इंजन को ठंडा रखने में कार्य करता है, आप देखेंगे जितने डीजल इंजन होंगे उसमें जरूर लगा होता है। खाना पकाने वाला बर्तन होना चाहिए कैसा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता का होना चाहिए, उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता का होना चाहिए। झरने में जब जल की ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होगा, उसका ताप बढ़ जाता है। ये चीज़ें कभी कभी अपने झरने से बहुत नीचे पानी आता तो उसको देखते गर्म गर्म महसूस होता, तो उसका कारण ये यही। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल उसकी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, यानी 2% जो है बढ़ेगा। 4% बढ़ाओगे तो यहाँ 2% बढ़ेगा आवर्तकाल, जस्ट आधा, यही याद करना है आपको। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, आप बताओगे 37 डिग्री सेल्सियस। फारेनहाइट में कहोगे तो आप कितना बताओगे, 98.6 जो है, यदि आप 98.6 से अधिक है तो समझ लो बुखार है। और वहीं केल्विन में जब बात करेंगे 310 केल्विन जो है मानव शरीर का तापमान है। सेल्सियस में कहेंगे मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस 36.9 जो भी होगा उसको आपको लगाना होगा। तो ये तो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि आप बुखार जाते हैं डॉक्टर के यहाँ चेक कराने, तो आपको देखते हैं कि थर्मामीटर से चेक करता, तो आप खुद भी देख सकते हैं कि हाँ बुखार है मुझे कि नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल होती हैं, तो इसका उत्तर बताएंगे पृष्ठ तनाव के कारण, या पृष्ठ तनाव को इंग्लिश में कभी कभी मिलेगा सरफेस टेंशन के कारण जो है गोल होती हैं। नेक्स्ट है किताब के ऊपर किसी लेंस का ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता है दिखाई देता है, इसका मतलब क्या है, यह लेंस कौन सा है, आप बताएंगे उत्तल लेंस है। नेक्स्ट है पराध्वनिक विमानों की चाल क्या होती है, या परासोनिक विमानों की, तो ध्वनि के चाल से अधिक होती पराध्वनिक विमान की चाल, ये चीज़ें याद रखना है कि ध्वनि की चाल जितना उससे भी अधिक तेज से चलता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो आप बताओ कि थियोफ्रेस्टस क्या है, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम कर दी जाए तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, आप बताओगे 2% घट जाएगा, ये चीज़ याद करके रखना, दोगुना घटता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में होती है। नेक्स्ट है चौराहों पर पानी के फवारे में गेंद नाचती रहती है क्यों,
क्योंकि पानी का वेग अधिक होने के कारण दबाव क्या होता है आप बताएंगे, घट जाता है। ये किस चीज़ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते रहते हैं, इनको आपको जरूर अच्छे से पढ़ के जाना है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, UP SSC या जो है SSC या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या साइंस आती है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर हेल्पफुल साबित होने वाला है। चलते हैं। एक लकड़ी झूला लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले के आवर्त काल पर कोई प्रतिशत बैठ रही है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? बैगनी का सबसे कम, जबकि लाल का तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, याद करके रखना है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, क्योंकि पलायन वेग क्या होता है पृथ्वी का आप बताओ, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पलायन वेग होता है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किसका प्रयोग करते हैं? तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं उपग्रह में जो है अंतरिक्ष यात्री जो है समय ज्ञात करने के लिए। वेंचुरी मीटर का प्रयोग किसके लिए? जल की प्रवाह को पता करने के लिए जो है वेंचुरी मीटर का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की निकट की वस्तुएं जो है अस्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अब वहीं बता, क्यूरी किसका मात्रक है? क्यूरी जो है आपको बता दें, रेडियोएक्टिविटी क्यूरी होता है या बैक्रोल जो भी जो है रेडियो सक्रियता की इकाई है। भूस्थिर उपग्रह कितनी ऊंचाई पर? तो 36,000 किलोमीटर पर स्थापित किए जाते हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है, जबकि आयुर्वेद में चरक की शपथ दिलाई जाती है। केल्विन तापमापी में बर्फ का ताप गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक जो है तो 0 केल्विन होता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शारीरिकी कहलाता है, आंतरिक संरचना का अध्ययन या आकारिकी कहते हो। नेक्स्ट है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित किया जाए पृथ्वी की वर्तमान त्रिज्या पर सिकुड़ कर आधी रह जाए तो कितने दिन और कितने घंटे लगेंगे? तो 12 घंटे लगेगा। ये चीज़ें आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता, यानी कह सकते हैं कि आवेशहीन होता है। ऐसे तत्व जिसमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु या इंग्लिश में इसे मेटालॉइड कहा जाता है। देखिए 30 क्वेश्चन हम पार कर चुके हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट 30 की तरफ। किसी वस्तु का भार किस उपकरण द्वारा ज्ञात करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कमानीदार तुला द्वारा जो है ज्ञात किया जाता है। आशुद्ध जल जिसे आप कहते हैं डिस्टिल वाटर जो है कुचालक होता है विद्युत का। कुचालक मतलब मीन है कि विद्युत इसमें नहीं चल सकती है आशुद्ध जल में या डिस्टिल वाटर में। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस जो है किससे बनाई जाती है? तो ऑक्सीजन गैस आप बताएंगे पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा जो है ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है। किसी पिंड का भार किस बिंदु पर कार्य करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उसके गुरुत्व केंद्र पर जो है कार्य करता है पिंड का भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु कौन सी थी? तो आप बताएंगे तांबा जो था या कापर जिसे कहते हो, कापर जो है सबसे पहली प्रयोग की गई। और किसने प्रयोग किया था? तो आप बताएंगे हड़प्पा वासियों ने किया था, हड़प्पा या सिंध वासियों से कह सकते हो। नेक्स्ट, और सबसे पहले मिश्र धातुओं का भी जानकारी हड़प्पा वासियों से ही मिलता है। पीतल धातु बनाने हेतु जस्ते के साथ कौन सी धातु मिलाते हैं? तो जस्ते के साथ आप बताएं तांबा धातु जो है मिलाया जाता है। जो पदार्थ जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? तो वह अम्ल कहलाते हैं। चलते हैं, घुमावदार तार में कौन सी ऊर्जा होती है और अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में जो है खट्टे होते हैं। चलते हैं, और क्षार जो होता है कड़वे होते हैं। घुमावदार तार में कौन सी ऊर्जा होती है या घुमावदार कह सकते हैं, स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा? तो आप बताएंगे स्थितिज ऊर्जा होती है। मेज पर घड़ी पड़ी पुस्तक में किस प्रकार का संतुलन होता है? तो ये आप बताएंगे अस्थायी संतुलन होता है। चिमटा किस वर्ग का उत्तोलक है? तो चिमटा आप बताएंगे तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। पीला फास्फोरस को किसमें और क्यों रखा जाता है? पानी में रखा जाता है आग लगने से बचाने के लिए। जबकि यदि कहा जाए कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है? सोडियम को आप बताएंगे मिट्टी के तेल में संरक्षित किया जाता है। यदि कहीं पर भी ऑक्सीजन संपर्क कर ले तो जलने लगता है, पानी में कहीं संपर्क करे तो जलने लगता है, जल के तैरने लगता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के केंद्र में जी का मान कितना होता है? तो जी का मान आप बताएंगे 0 होता है, जी का मान 0 होता है पृथ्वी के केंद्र पर। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किन राशियों पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव्यमान तथा वेग पर निर्भर करती है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोरेट क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है।
नेक्स्ट है, थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा पारे का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। नेक्स्ट है, वायु की मुख्य अशुद्धि क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायु की मुख्य अशुद्धि है। जल का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान किस उपकरण द्वारा मापते हैं? तो भौतिक तुला द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट है, यदि बल की क्रिया रेखा अक्ष के गुजरती हो तो उसका आघूर्ण क्या होगा? तो 0 होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, यदि बल की क्रिया, नेक्स्ट है, सबसे हल्का तत्व तो कौन सा? हल्का हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है, जी का मान भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाने पर क्या होता है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर ध्रुवों की तुलना में कितना, ध्रुवों से की तुलना में जी की रेखा जो है भूमध्य रेखा कम होता है जबकि ध्रुवों पर अधिकतम अधिक होता है। नाइट्रोजन गैस जलती है मैग्नीशियम से। चलते हैं, वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है? तो वलय के केंद्र पर होता है। दूध का फटना कौन सा परिवर्तन है? तो उत्तर बताएंगे रासायनिक परिवर्तन है दूध का जलना। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, पैसा थे वह धातु जो केवल अम्ल से क्रिया करती है, केवल अम्ल से क्रिया करती है, तो उसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रिक एसिड क्या है? केवल अम्ल से क्रिया करती है। नेक्स्ट है, जल का वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्षार जल में विलय होकर क्या देते हैं? तो आप बताएंगे हाइड्रोक्लोराइड आयन देते हैं। चलते हैं, किसी वस्तु के भार डब्लू द्रव्यमान एम, गुरुत्वीय त्वरण जी, तो इसका संबंध सूत्र क्या होता है? डब्लू बराबर एम जी होता है। प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।